देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है हमारे पे कि ऑन 1 अप्रैल 2015 स्टार लिमिटेड परचेज 5 मशीन्स फॉर 60,000 ईच, ठीक, कि 1 अप्रैल 2015 को, ठीक, स्टार लिमिटेड ने 5 मशीन परचेज करी, एक मशीन की कीमत थी कितनी 60,000, ठीक। अब आप क्या करोगे, कब खरीदा हमने, अप्रैल 2015 टू बैंक कितने की 60,000 की, 60,000 की एक मशीन है, तो 5 मशीन की कितनी होगी 3 लाख, 3 लाख कितने की होगी 3 लाख, ठीक है। ईयर कौन सा है हमारे पे, फाइनेंशियल ईयर है, कौन सा ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2016 को क्या होगा, एंड होगा। तो 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 के बीच में आपने इसके अलावा और कुछ किया नहीं, किया नहीं किया, इसके अलावा आपने कुछ भी नहीं किया। तो साल के एंड पे हमेशा क्या लगता है मशीनरियों पे, डेप्रिसिएशन। तो 31 मार्च 2016 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट ब्रैकेट, एक मशीन की निकाल लो, बाकी सबका सेम आएगा। 60,000 की मशीनरी थी, कितने परसेंट डेप्रिसिएशन है, 10% का डेप्रिसिएशन है, और आपने पूरे 12 महीनों से यूज करा, 1 अप्रैल से 31 मार्च, पूरे 12 महीने यूज कर रहे हो 5 मशीनरी को, ठीक है, इंटू 12 बाय 12, बार से 12 0 0 0 0 6,000 आया एक मशीन का, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने मशीनरी आ जाएगा, 500 मशीनरी का, तो 6 5 से कितना होता है 30,000, तो 5 मशीनरी का डेक्शन निकल कितना आया 30,000। क्या निकाल लोगे, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, की डेक्शन निकलने के बाद मशीनरी की वैल्यू कितनी रहेगी। तो 60,000 की थी, 6,000 से एक मशीन का अनुयोग होगी, ठीक, तो एक मशीनरी कितनी की रहेगी 54,000, तो पांचों मशीनरी कितनी की रही होंगी 54,000, तो हम क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 54 × 5 2,70,000, 2,70,000 ये आ गया हमारा 3 लाख, 3 लाख और ये आ गया हमारा 3 लाख, पहला साल हमारे पे हो गया कंप्लीट। अगले साल की पहली तारीख को आप क्या करोगे, बैलेंस को ब्रॉट डाउन, 1 अप्रैल 2016 क्या करोगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अंडरलाइन 54 × 5 2,70,000। 1 अप्रैल 2016 से लेकर 31 मार्च 2017 के बीच में आपने कुछ किया नहीं, किया नहीं किया। अगर आप क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपने पहली मशीनरी को कब बेचा, 1 अप्रैल 2017 में बेचा, 1 अप्रैल 2017 में, अभी तो 16 चल रहा, तो आपने कुछ नहीं करा, तो ठीक है, जब कुछ नहीं किया तो साल के एंड में क्या लगाएंगे, डेप्रिसिएशन, 31 मार्च 2017 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमारे पे दो मेथड, एक है स्ट्रेट लाइन, दूसरा है रिटर्न डाउन। ये जो क्वेश्चन है वो कौन से मेथड से, स्ट्रेट लाइन मेथड से। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या होता है कि हमेशा जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो किस पे होता है, उसकी ओरिजिनल कीमत पे, किस पे होता है, ठीक। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, मशीनरी कितने की थी 60,000 की, 10% का डेप्रिसिएशन, यहाँ भी आपने मशीनरी को पूरे 12 महीने यूज किया, तो एक मशीनरी का डेप्रिसिएशन निकल गया 6,000 और 5 का निकल गया 30,000, 6 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा, ठीक है। क्या निकालेंगे फिर हम, करंट डाउन बाय बैलेंस करंट डाउन, कैरेट डाउन 54 में से 6 और कम हो गया। मशीनरी पहले साल हमारे पे 60,000 की थी, पहले साल पूरा यूज करा, 6 से कम हो गई, 6 से कम हुई तो बची 54 की, दूसरे साल में हमने उसे पूरा यूज कर लिया, 6 से और कम हो गई, तो एक मशीन कितने की बची 48 की, तो 5 कितने की हो गई 2,40,000 की, तो सेकंड ईयर भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। थर्ड ईयर स्टार्ट होता है हमारे पे 1 अप्रैल 2017 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 48,000 × 5
240,000। चेक करते हैं, 1 अप्रैल 2017 से लेकर 31 मार्च 2018 के बीच में आपने कुछ किया? मशीनरी बेची। किया आपने, क्या किया? 1 अप्रैल 2017 जैसे ही हमारा थर्ड ईयर स्टार्ट हुआ, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में ही आपने एक मशीनरी को बेच दिया। ठीक, तो मतलब 1 अप्रैल 2017 जैसे ही ईयर स्टार्ट हुआ, अगर आप वैसी ही मशीनरी को बेच देते हो तो उस पे किसी प्रकार का कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। ठीक है, तो डेट हम क्या लिखेंगे? बाय बैंक। बाय बैंक ब्रैकेट में सेल, बाय बैंक ब्रैकेट में सेल। कितने की बेची आपने मशीनरी? 8,000 लॉस पे। कितने की बेची? 8,000 के लॉस पे बेची। तो हम उसकी कॉस्ट निकालते हैं। ठीक, सेलिंग प्राइस मतलब 48 की कीमत थी मशीनरी की थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में। कितने की थी? 48 की इसकी कॉस्ट थी 1 अप्रैल 2017। लेकिन अगर आपने 8,000 के लॉस में मशीनरी को बेचा तो कितने में बेचा होगा? 40,000 में। तो कितना आ गया? 40,000। और क्या निकल गया? बाय प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। लॉस कितने का में लॉस हुआ? 8,000। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्या इसके अलावा और कुछ किया? हाँ, उस दिन पे नई मशीनरी परचेज करी। कहाँ लिखा हुआ उस दिन में? काम करी। कहाँ लिखा हुआ मुझे दिखा दे, कहाँ लिखा हुआ? नहीं नहीं, लिखा हुआ कहीं? नहीं, लिखा तो भाई बता दे। नहीं नहीं, आप अगर क्वेश्चन पढ़ोगे तो वो क्या कह रहा कि हमने सेकंड मशीनरी को बेचा 1 जुलाई 2018 को। कब बेचा? 1 जुलाई 2018। इसके अलावा हमने किसी मशीनरी को नहीं बेचा। अगर इसके अलावा किसी मशीनरी को नहीं बेचा तो साल के एंड पे हम क्या लगाएंगे? जो मशीनरी हमारे पे अवेलेबल है उस पे क्या चार्ज करेंगे? हम डेप्रिसिएशन। ठीक है, एंड करते हैं इस ईयर का भी, 31 मार्च 2018 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। 60,000 की मशीनरी थी, 10% का डेप्रिसिएशन था और पूरे 12 महीने आपने यूज कर लिया। कितना आ गया? 6,000। अभी तक आप 5 से मल्टीप्लाई करके डेप्रिसिएशन लिख रहे थे, लेकिन अब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि एक मशीनरी को आप बेच चुके हो। अगर बेच चुके हो तो 5 में से आपके पास कितनी रह गई? 4। तो 6 × 4 कितना होता है? 24,000। ठीक है, क्या निकाल लोगे? कैरी डाउन बाय बैलेंस कैरी डाउन। जब ईयर स्टार्ट हुआ था मशीनरी की कीमत थी 48, कितने की थी? 48। 6 और कम हो गई, कितनी बची? 42। और कितनी मशीनरी है आपके पास? 4। इससे मल्टीप्लाई किससे करोगे? 4 से। तो कैश डाउन कितना आ गया? 16,800। 1,68,000। कितना आ गया? 1,68,000। ठीक है भाई, प्लस करते हैं 48 और 24 होता है 72, 72 × 70 = 240। कितना आ गया? 240,000। लास्ट ईयर 4 साल का बनाना है हमने। लास्ट ईयर स्टार्ट होता है हमारा 1 अप्रैल 2018 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। एक मशीन है 42,000 × 4 करेंगे क्योंकि 4 मशीनरी आपने सेम वैल्यू की और टोटल होता है 168। अगेन 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 के बीच में आपने कुछ किया इस ईयर में? किया। अगर आपको क्वेश्चन याद हो तो क्वेश्चन में क्या है कि आपने क्या करा, सेकंड मशीनरी भी बेच दी 12,500 के लॉस पे। बेची कब? 1 जुलाई 2018। तो सबसे बड़ी डेट वही आएगी जिस पर हम क्या करते हैं, मशीनरी को बेचते हैं, 1 जुलाई 2018। बोर्ड आ रहा भाई पूरा? ठीक, अब आप क्या करोगे, जब आपने फर्स्ट मशीनरी को बेचा तो जैसे ही ईयर स्टार्ट हुआ था आपने वैसी बेच दी, इसलिए कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया था। लेकिन सेकेंडरी मशीनरी को आप क्या कर रहे हो, ईयर स्टार्ट हो रहा और आप उसे 3 महीने यूज कर रहे हो, क्या कर रहे हो? 3 महीने। अगर आप उसे 3 महीने यूज कर रहे हो तो 3 महीने का उस पर क्या चार्ज करोगे? डेप्रिसिएशन। तो निकालते हैं भाई डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है भाई, 60,000 की मशीनरी थी, 10% का डेप्रिसिएशन है और कितने महीने के लगेगा खाली? 3/12 3/1 3/4 0 0 0 0 कितने का डेप्रिसिएशन आ गया? 1500।
कितने का आ गया 1500 का। ठीक है, जब ये ईयर स्टार्ट हुआ था तो आपकी मशीनरी की वैल्यू थी 42,000, कितनी थी 42,000। ठीक, तीन महीने आप यूज करते हो उसकी वैल्यू 1500 से और कम हो जाती है, तो वैल्यू कितनी की बची 40,500 की। ठीक, लेकिन उसने बेची कितने में 12,500 के लॉस, तो हम क्या करेंगे, मतलब इसमें 12,500 माइनस करें तो हमारे पे क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस, क्या आ जाएगा सेलिंग प्राइस, मतलब उसने मशीनरी को बेचा 28,000 में, तो आप क्या लिखोगे यहां बाय बैंक ब्रैकेट में सेल कितना 28,000 और आपको लॉस हुआ बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट में लॉस 12,500 का। ठीक, क्या इसके अलावा कुछ किया आपने? हाँ, एक और मशीनरी की चीज कब खरीदी 1 अक्टूबर। ठीक है, आपने इसी साल एक और मशीनरी खरीद ली, ठीक, कब खरीदी 1 अक्टूबर 2018 टू बैंक अकाउंट। ठीक, कितने की खरीदी 1,00,000 की, कितने की खरीदी 1,00,000। ठीक, इसके अलावा और कुछ किया नहीं किया, तो आपके पास जो जो मशीन अवेलेबल है, कितने मशीन भी अवेलेबल है, शुरू में हमने 5 खरीदी थी, 2 बेच दी, 3 वो अवेलेबल है और 1 नई वाली अवेलेबल है, इन सब पे क्या चार्ज करोगे, डेप्रिसिएशन करते हैं वही चार्ज, तब साल के 31 मार्च 2019 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक, मशीनरी थी तो शुरू में ली थी 60,000 की, 60,000 पे 10% पूरे 12 बाय 12 महीने के लिए 6,000 आया, इनटू 3 करोगे अब क्योंकि वो वाली मशीनरी आप पे खाली 3 ही अवेलेबल है। ठीक, और एक और मशीनरी 1,00,000 की खरीदी, 1,00,000 की खरीदी आपने, 10% का डेप्रिसिएशन कितने महीने के लिए 6 बाय 12 क्योंकि वो मशीनरी आपने कब खरीदी 1 अक्टूबर को, डेप्रिसिएशन कितना आ गया 6,16,20,00,000 कितना आ गया 5,000। तो 18-19 मशीनरी का आया और 5,000 इसका आया, तो 18 और 5 कितना हो गया 23,000 कितना हो गया 23,000 और लास्ट में क्या निकाल लोगे इसका कैरिट डाउन। ठीक, तो बाय बैलेंस कैरिट डाउन आप पे मशीनरी कितने की थी 42,000, 42 में से 6 और कम हो गया तो कितने की बची 36, तो 36 × 3 कितना होता है 1,08,000 और एक मशीनरी थी 1,00,000 की, 5 कम होगी कितना बचा 95, तो टोटल आपके पास बचा ये 2,03,000 कितना बचा 2,03,000 ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट।